हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ताराहुल ब्लॉग पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ताराहुल ब्लॉग पर, यानी कि तारा और राहुल पर। तो जैसे आप लोगों को पता है कि राहुल भैया की छुट्टियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो राहुल भैया जा चुके हैं। इस बार राहुल भैया 2 महीने की छुट्टियाँ आए थे, लेकिन आए भी 1 साल में थे, आप सबको पता है। और ये समझ लीजिए कि ध्रुव के साथ तो उनका पहली बार मिले हैं, जब से वो हुआ था, जब छोटा सा था। और अब तक ध्रुव ने अपने पापा को देखा ही नहीं था 2 महीने, अब 1 साल के बाद देखा था 2 महीने के लिए, है ना। तो राहुल भैया अब जा चुके हैं, उनकी छुट्टी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इनको ना मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब एक फौजी जाता है अपनी ड्यूटी पर तो घर वाले कितने इमोशनल होते हैं, है ना। तो जब राहुल भैया आए थे, तो जब लोग बहुत सारे लोगों ने तारा को ट्रोल किया था इस चीज़ को लेकर कि पूरा दिन राहुल राहुल करती रहती है, अपनी फैमिली को नहीं दिखाती, अपने सास ससुर को नहीं दिखाती है, कभी इसके साथ घूमने यहाँ जाती है, कभी उसके साथ घूमने वहाँ जाती है, इसने सबको इग्नोर कर दिया, सिर्फ राहुल राहुल करती रहती है। तो मैं सिर्फ एक बात, उन लोगों को शायद अब खुशी होगी होगी कि राहुल भैया ड्यूटी चले गए हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पर भी बोला था और इस टाइम पर भी बोल रही हूँ कि राहुल भैया 1 साल में 2 महीने के लिए आते हैं, कभी 1 महीने के लिए आते हैं, है ना। तो क्या इस टाइम पीरियड में जो वाइफ है वो अपने पति के साथ स्पेंड ना करे। बहुत सारे लोगों को जलन होती है कि तारा तो अब राहुल के पीछे पीछे घूमती रहती है, राहुल राहुल करती रहती है, और हमें सास ससुर को भी नहीं दिखाती है। अब देखो अब कैसा लग रहा है, अब तुम खूब सास ससुर को देखना, खूब फैमिली मेम्बर को देखना, अब तुमको वो ही दिखाई देंगे वीडियो में, है ना। वो 1 साल में अगर 2 महीने के लिए आ गए थे अपनी वाइफ के पास, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास, तो कुछ लोगों को बहुत आग लग गई थी कि हर टाइम घूमती रहती है, ये करती रहती है, वो करती रहती है, लेकिन ये नहीं देखते कि 1 साल के बाद वो आए थे, है ना। और 1 साल के बाद अपने पति से मिलना क्या होता है, तो और पता है कि फिर से जाना है 2 महीने बाद। तो कोई भी हस्बैंड या वाइफ हो, घर वाले भी होंगे, वो भी यही बोलेंगे कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, या अगर वाइफ है तो अपने पति के साथ टाइम स्पेंड कर, है ना। लेकिन किस कुछ लोग हैं ना, उनको खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, और इसी के चलते वो तारा को इतना ट्रोल कर रहे थे कि पति आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे तुम क्या जानो कि एक आदमी वाइफ की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, ठीक है। जब वो आते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वो जाते हैं ना तो पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डर की ड्यूटी होती है ना, जो आर्मी की ड्यूटी होती है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली होती है ना। तो इतने फौजी अपने घर नहीं आता है ना, इतने घर वालों को सबको ये टेंशन रहती है कि हमारा बेटा ठीक रहे, क्योंकि वो ही जवान है जिनकी वजह से हम अपने घर में सुरक्षित होते हैं। तो आज वो चले गए हैं भैया, तो अब तो आप लोगों को शांति मिल गई होगी ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आप खूब आपको राहुल भैया नहीं दिखाई देंगे, बाकी सब घर वाले दिखाई देंगे। अगर इतनी जलन होती है लोगों को, अगर 2 महीने भैया भी गए थे उनके साथ, तारा टाइम स्पेंड कर रही थी, तो लोगों ने बेचारी का जीना हराम कर दिया था। ये तो घूमती रहती है, ये तो आवारा है, ये तो ये है, ये तो वो है, पर ये नहीं सोचते कि वो कैसे मैनेज करती है ना। अब चले गए राहुल भैया, वो कैसे, अब बताइए राहुल भैया 6 महीने बाद आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, या 8 महीने बाद आएंगे, है ना। कैसे वो रहेगी, कोई औरत उसका पति ना अगर एक दिन के लिए चला जाए ना, तो वो दिक्कत जाती है कि यार एक दिन के लिए चला गया, कैसे रहेंगे उसके बिना। और वो 1 साल रही है पूरे अपने पति के बिना, उसके बावजूद भी कभी उसने यहाँ रो के इस प्लेटफॉर्म पे कभी रो के ड्रामा करके नहीं कहा कि मुझे बहुत याद आ रही है, मैं ये है, मैं वो नहीं। कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो लाई है, और राहुल भैया के ना होने पर सारे फर्ज निभाए A to Z, चाहे वो बेटे का हो, बहू का हो, भाभी का हो, माँ का हो, कुछ भी हो, A to Z सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर उठाती है ना। तो तारा को मैं पहले बोल चुकी हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, नेचर वाइज भी, और वो एक अच्छी वाइफ है, अच्छी बेटी है, अच्छी भाभी है, बहू है, माँ है, सब कुछ बहुत बेस्ट है। हाँ, लेकिन कभी कभी जब वो वीडियो में उसकी गलती होती है, तो गलती को भी मैं बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी को इतना सपोर्ट करते हैं ना, और अगर कोई बंदा गलत जा रहा है तो उसको बोलने का भी हक बनता है। और चलो बोलते हैं कि अपना कंटेंट लाओ, अपना कंटेंट लाओ, तो मैं इतनी बार कर चुकी हूँ, मेरा ब्लॉगिंग चैनल नहीं है तो मैं अपना कंटेंट नहीं लाऊंगी, ठीक है। मेरे चैनल पर सारी A to Z रिएक्शन वीडियोज़ पड़ी हैं, और जो बोलते हैं कि सिर्फ तारा पे बनाते, तो पहले आँख खोल के
फ़ोन को अच्छे से चेक कर लें, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो चश्मे का नंबर चेंज करा लें, उसके बाद फिर वीडियो देख लें, क्योंकि मेरे चैनल पर हर किसी एक क्रिएटर की वीडियो पड़ी है, ना कि सिर्फ तारा की। अब देखना ये वीडियो तारा कितने दिनों के बाद आ रही है मेरे चैनल पर। तो और खैर, और अब जो उसकी ननद थी वो भी चली गई है ना, कौन बच गया? तारा, ध्रुव, मम्मी पापा, कन्नू। कन्नू भी जाता रहता है पढ़ाई के लिए, कौन बच गया? मम्मी पापा, तारा और ध्रुव, है ना। तो आप लोग उनको ही देखना, उनको ही खुश होना पड़ गया, हो गया आप कल जो शांति हो कि राहुल भैया चले गए ड्यूटी, अब तारा रहेगी अकेली, है ना। सोचो अगर ये ना कमेंट वही लोग करते हैं जिनकी जो अनमैरिड है, जिनकी मैरिड नहीं हो रही, और जिनकी मैरिड होती है ना, खासकर जिनके पति बाहर बाहर जॉब करते हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी करते हैं, या फिर जो आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं बहुत सारे लोग, उनसे पूछना, या आउट ऑफ स्टेट भी रहते हैं, कैसा होता है पति से दूर रहना। वो तो बहुत ब्रेव गर्ल है कि पति से इतना दूर रहती है, उसके बाद भी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाती है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।